हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लिया था कि व्हाट इज रिक्त समुच्चय, मतलब रिक्त समुच्चय क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या था। तो एम्प्टी सेट क्या होता है कि वह समुच्चय जो किसी अपरिभाषित गुण द्वारा बना समुच्चय क्या कहलाता था, हमारा एम्प्टी सेट। जैसे कि कोई सेट x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x क्या है, ऑड नंबर। तो क्या किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर इवन नंबर आएगा? नहीं, तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। फिर हमने बात किया था फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें हम अवयवों की संख्या को काउंट कर सके, और इनफाइनाइट सेट क्या था, अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें हम अवयवों की संख्या को काउंट ना कर सके, जैसे हमारा नेचुरल नंबर का समुच्चय है। फाइनाइट एग्जांपल 100 से कम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, तो 100 से कम है तो हम डेफिनेटली इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये बोल रहे नेचुरल नंबर का समुच्चय, कहां से कहा था ये नहीं पता था। अब नेचुरल तो बहुत होते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। फिर एक हमने पढ़ा था इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या था, सेट ए एंड बी इज सेट टू बी इक्वल सेट इफ ऑल द एलिमेंट इज एग्जैक्टली सेम। मतलब कि दो सेट इसमें था, सेट ए और सेट बी, इन दोनों का एलिमेंट एग्जैक्टली बराबर रहता था तो हम सेट ए को सेट बी के बराबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल ए बी सी और ये हो गया सी बी ए, तो हम देख रहे हैं ए बी है, बी इसमें तीन एलिमेंट है, इसमें तीन, और तीनों एलिमेंट भी बराबर है, तो हमारा क्या था, इक्वल सेट। इसी के बेस पे हम कुछ सवाल लगाएंगे, एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो हमारा पहला सवाल है कि निम्न से कौन सा रिक्त समुच्चय है, मतलब अब हमें रिक्त समुच्चय का उदाहरण देना है, रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी सेट। तो पहला सवाल है दो से भाज विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब दो से भाज विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम क्या था, ऑड नंबर क्या होता है, वन नंबर जो दो से डिवाइड न हो, दो से डिवाइड न हो, जो संख्या दो से डिवाइड नहीं तो वह क्या कर रहे थे, ऑड नंबर। बट यहां हमारा दो से भाज विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, तो क्या कोई ऐसा अवयव मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो क्योंकि दो से हमेशा सम संख्या डिवाइड होती है, ये बोला दो से विषम संख्या, तो नहीं, ये कोई एलिमेंट नहीं, मतलब ये एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। सेकेंड, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम क्या था, जो दो से विभाज्य हो। अभाज्य क्या होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे, तो वह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सम अभाज्य संख्या दो, जैसे अभाज्य संख्या पहले लिख ले, जो संख्या एक से बड़ी हो और एक और स्वयं से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरह। तो इसमें हम देख रहे हैं जो ये दो है ये सम है, तो एक एलिमेंट है तो हमारा मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, नो एम्प्टी सेट। थर्ड है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x 5 से छोटा और 5 से 7 से बड़ा हो। मतलब कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और साथ ही साथ वो 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। चलो एक संख्या हम ले लेते हैं 4, तो ये तो 5 से डेफिनेटली छोटा है, तो क्या 7 से बड़ा है, नहीं, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ होनी चाहिए, मतलब एक साथ घटना घटित होना चाहिए, तब मतलब दोनों प्रॉपर्टी को संतुष्ट करे तभी होगा। तो अब वो बोला है x जो 5 से तो छोटा हो बट 7 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा, तो यार कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, मतलब ये एम्प्टी सेट। फिर बोला है y सच जेड y किन्हीं दो समांतर संख्याओं का
समांतर रेखा होगा उभयनिष्ठ बिंदु। तो समांतर रेखा क्या होती है, मतलब एक रेखा ये एक रेखा वह रेखा जो एक दूसरे को कहीं ना कट करे, और उभयनिष्ठ क्या होता है जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कट करता है, तो जिस पॉइंट पर कट करता है वही उभयनिष्ठ होता है। तो अब ये पैरेलल लाइन है तो ये दूसरे को कहीं ना कट करेंगी, तो इसका कोई भी अवयव नहीं मिलेगा, तो यह भी क्या हो जाएगा इम्प्टी सेट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसा कि किताब तो होगा ही आप लोगों के पास, इसलिए मैं सीधे क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि प्रश्न लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें फाइंड आउट करना है हमें परिमित और अपरिमित, मतलब हमें बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, मतलब कौन इनफाइनाइट, कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट। तो पहला इसमें है क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब क्या वर्ष के महीनों का समुच्चय फाइनाइट समुच्चय या अपरिमित समुच्चय, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय हम ले लेते हैं सेट ए, हम जाते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहां देख रहे हैं इसके एलिमेंट को हम काउंट कर पा रहे हैं, जब एलिमेंट को हम काउंट कर लेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा परिमित समुच्चय। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक सेट दे रखा है इस तरह 1 2 3 और थर्ड है 1 2 3 इसको जरा सही से बना लीजिए आप लोग। फोर्थ है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये सेकंड हम देखते हैं 1 2 3 ये डॉट 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 है, ये 1 2 3 का नेचुरल नंबर है। अब ये कहां तक है हम काउंट नहीं कर पाएंगे, मतलब ये क्या आ जाएगा इसके अवयव को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो मतलब ये अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय। थर्ड है मतलब नेक्स्ट है 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, मतलब ये नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 100 तक, तो इसको हम काउंट कर पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांक क्या होता है वह संख्या जो माइनस और प्लस में हो, तो यहाँ धन पूर्णांक दे दिया है, तो मतलब ये 100 से बड़े में पूर्णांक निकाला है, तो 100 से बड़ा अब इसको हम लिख लेते हैं जैसे एक सेट ए के रूप में, तो 100 से बड़े 101 102 103 अब कहां तक है इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो मतलब यह क्या हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो फिर हमारा इसी में कुछ और सवाल है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए फिर थर्ड बताते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा है, उसमें भी फाइंड आउट करना है हमें अपरिमित और परिमित है, क्वेश्चन 3 में भी परिमित
और अपरिमित फाइंड आउट करना है, मतलब कुछ दिया है बोला पूछ रहा है कौन अपरिमित है और कौन परिमित है। तो पहला इसमें है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं को समझिए, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर तो हम जानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो बोला एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष के पैरेलल, तो पैरेलल तो कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, कोई काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा हमारा अपरिमित। फिर सेकेंड है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय तो हम जानते हैं ये एस ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, मतलब टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो इसको हम काउंट कर ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। थर्ड है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से 5 के गुणज हो, तो बोला है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो, तो 5 का गुणज मतलब कोई ले लें 5, 10, 15, 20, 25, कहां तक जाएगा ये हमें नहीं पता, तो ये इसके काउंट तो हम कर नहीं पाएंगे इसके एलिमेंट को, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमित इनफाइनाइट। फिर नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का, तो पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं हम इनको काउंट कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिमित। फिर लास्ट है इसका कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, मूल बिंदु का स्थान 0, 0 से जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर क्या होता है रेडियस, तो इसमें हम रेडियस की कुछ वैल्यू रखते जाएंगे, ये इनफाइनाइट इक्वेशन मिलता जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। सो इसको आप लोग उतारिए। फिर चौथा क्वेश्चन बताते हैं, तो यहां तक तो हमें लग रहा है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि डिफिनेशन देखो एक्सरसाइज करने से पहले किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ही मेन है, इंट्रोडक्शन अगर हम जितना अच्छा से क्लियर कर लेंगे एक्सरसाइज अपने आप लग जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी हमने बात कर लिया था कि परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है। तो कंफ्यूजन हमेशा वही होती है जहां पर हमें डिफिनेशन क्लियर नहीं होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें पूछ रहे हैं निम्न में बताइए कि सेट ए के बराबर है या नहीं, मतलब कुछ सेट दिया रहेगा, इसमें बोला ए बराबर बी है या नहीं। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है ए बी सी ए, ए बी सी ए,
और एक सेट बी है, इसके एलिमेंट है ए सी बी ए, ए सी बी ए। तो ए और बी को बराबर होने के लिए क्या कंडीशन था कि सेट ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, तब हम बोलेंगे कि सेट ए सेट बी के बराबर हो। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें भी चार एलिमेंट है, इसमें भी चार एलिमेंट है, तो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी, ए इसमें, मतलब ये एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, मीन्स एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो हम कहेंगे ए बराबर बी, मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। सेकेंड क्वेश्चन में बात करते हैं, दिया है 4, 8, 12, 16, एक सेट ए है हमारा 4, 8, 12, 16 और एक सेट बी है, सेट बी दे रखा है 8, 4, 16, 18। तो इसमें देख रहे हैं चार तत्व तो इसमें भी है, चार तत्व तो इसमें भी है, लेकिन क्या सेम एलिमेंट है? तो आठ इसमें भी, इसमें ठीक, चार है, चार है, बारह इसमें है, इसमें नहीं है, सोलह इसमें है, इसमें नहीं, मतलब इसमें बारह अलग आ रहा है, अठारह अलग आ रहा है, तो ये ए इज नॉट बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा? जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होता है तब बराबर होता है। थर्ड है हमारा, एक सेट ए है 2, 4, 6, 8, 10 और सेट बी दे रखा है x such that x सम धन पूर्णांक है, x such that x एक सम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है और x जो है 10 से छोटा भी है, 10 और 10 से छोटा है। तो ये b पहले हम निकाले, b के एलिमेंट क्या है, तो x such that x एक सम धन पूर्णांक है, तो धन पहले हम पूर्णांक बात कर लें कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर, ये माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट, तो बोला धन पूर्णांक, तो जो प्लस वाली वैल्यू होगी ये मतलब नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में सम बोला है जो दो से डिविजिबल है, मतलब 2, 4, 6, 8 कहां तक, 10 तक। तो इसमें भी देख रहे हैं कि जो था तो इसमें भी, वो था तो इसमें भी है, अब तक ए बराबर बी। फिर एक सवाल है कि x such that x 10 का गुणज है, इसको हम यहां लिख लेते हैं, एक्स अंदर एक्स एक संख्या 10 का एक गुणज है, संख्या 10 का गुणज है, 10 का गुणज होने के लिए हम क्या लिख लेंगे इसको, 10, 20, 30, 40, अभी कहां तक है पता नहीं। और बी सेट है, गिवन है ये 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25, अब ये कहां तक है ये भी हमें नहीं पता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी में सारे तत्व तो बराबर नहीं है, अतः ये ए इज नॉट बी। सो अब इसमें क्या दो सवाल और बचा है, वो आप लोग एज ए होमवर्क कर लीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।